हेलो गाइस, श्रोता रोल चैनल पे मेरा नाम आशीष अग्रवाल प्रोफेशनल मेडिकल कॉलेज जयपुर। और गाइस अब अपन आया हमारे नेक्स्ट वीडियो दैट इज स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। तो गाइस ध्यान से समझना, देखो इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है बट आई एम 100% श्योर इस पे एमसीक्यू आएगा ही आएगा क्योंकि इसके अंदर दो तीन टर्मिनोलॉजीज है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है तो आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, वैसे छोटी वीडियो होने वाली, ज्यादा बड़ी होगी नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व मैं क्यों पढ़ू, हर चीज का एक क्यों होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं, अपन ने पिछली वीडियो में देखा था वैलेरियन डीजनरेशन। ठीक है, तो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था वैलेरियन डीजनरेशन। सो गाइस बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि चलो ठीक है नर्व डैमेज तो हो गई पर कितनी डैमेज हुई ये फिजिशियंस कैसे पता करेंगे। कोई फिजिशियन तो क्या, कोई भी एक क्लिनिशियन एक डॉक्टर कैसे पता करेगा कि कितना मतलब नर्व डैमेज हुआ, कितना कंडक्शन फंक्शनल स्टेटस खराब हुआ, कितना स्पीड ऑफ कंडक्शन खराब हुआ। मोटर नर्व को मतलब अपन मसल कॉन्ट्रेक्शन से टेस्ट कर सकते हैं, सेंसरी नर्व को तो अपन टेस्ट से टेस्ट कर सकते हैं, पर कितनी हुई कौन सी हुई ये सब जानकारी के लिए बनाया है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। तो गाइस स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व आप समझ गए होंगे कि ये क्या क्या करता है। एक तो पहला फंक्शनल, हाँ गाइज आपको नोट्स बिल्कुल नहीं इसके बनाने क्योंकि नोट्स के हिसाब से आप बनाओगे तो आप वीडियो में ध्यान नहीं लगा पाओगे, इसलिए गाइज नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। तो गाइज फंक्शनल स्टेटस ऑफ नर्व्स जानने के लिए अपन स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, स्पीड ऑफ नर्व कंडक्शन जानने के लिए स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो कर्व है ये किन चीजों के बीच में बन रहा है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन। स्ट्रेंथ मतलब कि स्टिमुलस जो अपन देने वाले हैं वो कितना स्ट्रेंथ का होगा, कितनी देर तक दिया जाएगा तो जाके एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। क्लियर, देखो समझो, जैसे मान लो मतलब मेरे को एक स्टिमुलस देना है कि मैं मान लो एक इलेक्ट्रोड से स्टिमुलस दे रहा हूं एक मोटर यूनिट पे। मोटर यूनिट कहे तो जहां पे मतलब जो अपनी मोटर नर्व्स है वो इनर्वेट करती है मसल को। ठीक है, तो वहां पे मैंने इलेक्ट्रोड से एक स्टिमुलस दिया तो स्टिमुलस का जो वोल्टेज होगा वो तो कहलाएगा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, और जितनी देर तक दिया वो कहलाएगा ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, और उस वजह से एक रिस्पॉन्स आएगा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, या इस केस में क्या होगा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो उससे अपन एक कर्व बनाएंगे तो उसे कहेंगे स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, जो कि है इस तरह का। ठीक है, तो ये अपन यहां बनाएंगे स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, यहां पे है स्ट्रेंथ और यहां है ड्यूरेशन। ठीक है, तो अगर मैंने इसका एक कर्व बनाया तो वो कुछ इस प्रकार बनता है, देखना। ठीक है, तो इस तरह का कोई कर्व बनेगा। ओके, सो होता है क्या, देखो ये कर्व बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ठीक है, तो अगर मान लो ये कितना है एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इतनी दो, इसको इस स्ट्रेंथ को कहते हैं रियो बेस। देखो क्या है रियो बेस, पहली टर्मिनोलॉजी, ठीक है, वन क्या है रियो बेस, रियो बेस इज द मिनिमम स्ट्रेंथ गिवन और ए मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस गिवन डेट कैन एलिक्ट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कि इतनी स्ट्रेंथ से अपन ने एक स्टिमुलस दिया जिसकी वजह से अपन को एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला। तो मैं लिख सकता हूं मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। क्लियर, आगे पसंद में। अच्छा, ये जो रियो बेस का जो अपन ने रियो बेस स्ट्रेंथ का जो स्टिमुलस दिया ये कितनी देर तक दिया, क्योंकि अपन ने रियो बेस स्ट्रेंथ का स्टिमुलस तो दिया लेकिन इसको कितनी देर तक दिया जब जाके एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया। तो ये जो ड्यूरेशन है वो होता है यूटिलाइजेशन टाइम। क्या होता है, यूटी, यूटिलाइजेशन टाइम आ गया। तो ये अपनी हुई सेकेंड टर्मिनोलॉजी, तीन टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। तो सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या हुई, ड्यूरेशन, है ना, मतलब क्या कहेंगे, ड्यूरेशन फॉर विच रियो बेस स्ट्रेंथ स्टिमुलस गिवन। क्लियर, ड्यूरेशन फॉर विच रियो बेस स्ट्रेंथ स्टिमुलस गिवन। ओके, अगला, अब देखो ऐसे अगर ऐसे तो कितने सारे मैं बना सकता हूं, इस पॉइंट पे भी एक बना सकता हूं रियो बेस कि इतना मतलब स्ट्रेंथ का दिया मैंने और इतने यूटिलाइजेशन टाइम के लिए तो एक रिस्पॉन्स आया, यहां भी बना सकता हूं, यहां भी बना सकता हूं। पर देखो एक पॉइंट ऐसा है जहां पे मैंने 2R दिया, 2R मतलब समझ रहे हो, अगर मैंने रियो बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको ट्वाइस करके दिया, ठीक है ना, ट्वाइस अगर रियो बेस की स्ट्रेंथ को दिया तो जो ड्यूरेशन टाइम लगेगा उससे यूटिलाइजेशन टाइम नहीं कहते, उसे कहते हैं क्रोनेक्सी। क्या कहेंगे, क्रोनेक्सी।
ठीक है, ये थर्ड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो इसका सुनो क्या है ये। इट इज द ड्यूरेशन दैट अ स्टिमुलस ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ रियोबेस। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ अ स्टिमुलस, स्टिमुलस ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ अ रियोबेस नीड्स टू बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू एलिसिट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आगे आपको समझ में। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी है, एक रियोबेस, यूटिलाइजेशन टाइम, क्रोनेक्सी। अब देखो, मैंने ये एक नॉर्मल नर्व का ग्राफ है, ठीक है, एक नर्व का ग्राफ ऐसे बनता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन। लेकिन मान लो ये एक और ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखो क्या है, रियोबेस ज्यादा है, ठीक है, यूटिलाइजेशन टाइम ज्यादा आएगा, ठीक है, क्रोनेक्सी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तब समझ लो क्या है, रियोबेस ज्यादा होना, यूटिलाइजेशन टाइम ज्यादा होना, इसका क्या मतलब है कि जो नर्व है उसकी एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो गई है। तो ये रिड्यूस्ड एक्साइटेबिलिटी को शो कर रहा है, या कह लो ये एक डैमेज्ड नर्व का ग्राफ है। ठीक है, आया बात समझ में? अब आ रही है बात समझ में, कैसे अपन को पता पड़ता है कि नर्व सही है कि नहीं। ये एक डैमेज नर्व का ग्राफ है और ये एक नॉर्मल नर्व का ग्राफ है। तो जैसे, और जो डॉक्टर्स होते हैं, और जैसे 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 अगर नर्व रिकवरी करती है ना, तो ये ग्राफ जो है वो नॉर्मल की तरफ आता हुआ दिखता है। क्लियर? तो अब आप आगे समझ में ना, मतलब स्ट्रेंथ ड्यूरेशन का क्या है, कैसे अपन फंक्शनल स्टेटस ऑफ अ नर्व को पता करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए चैनल पे, तो आपको बता दूं कि मेरा चैनल का मोटो है कि मिनिमम टाइम में बेस्ट कॉन्सेप्ट देना, कोई टाइम वेस्ट करना नहीं, ठीक है ना। आपको एमसीक्यूज जो भी चीज आपकी यूसी के लिए इंपॉर्टेंट है सब मैं क्लियर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप कोई भी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं खुले तो फिजियो की पाठशाला टेलीग्राम पे डाल देना, वो खुल जाएगा। और आजकल यार गाइस आप लोग लाइक और शेयर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ ना कि आपको मेरे चैनल बारे में किसने बताया, तो बोलते हैं हम लोग परेशान थे, हम लोग YouTube पर सर्च कर रहे थे और आपका वीडियो आ गया, और फॉर्चुनेटली हमने आपकी वीडियो देख ली, अब आपके चैनल पे स्टिक रहेंगे। तो गाइस यही तो प्रॉब्लम है, क्यों किसी को YouTube पे सर्च करना पड़ रहा है। आप लोग इतना वीडियो को शेयर करो कि हर इंसान को पहले ही पता पड़ जाए कि दिस चैनल इज गोइंग टू बिकम द बेस्ट चैनल ऑफ फिजियोलॉजी। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।